उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को देखा, आज उनकी हालात क्या चल रहे हैं, बल्कि वो कहना ये चाह रहे थे कि देश के दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, देश के दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। और सबको सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे। इसी तरह की शोरा इमरान मेरी जमील भी, इसी तरह अभी आपको जो है राकेश बियावल साहब को भी सुनना है, अनीस अहमद अनीक साहब है, इसी तरह इमरान सानी साहब है, इमरान शजर साहब जो हमारे दरमियान अभी थोड़ी देर में आए हैं अचलपुर से, आइए मुलाकात करते हैं अब हमारे मेहमान शायर जनाब पहली हासिल हुआ है, बहुत बहुत मुशायरा चल रहा है, इस खूबसूरत मुशायरा के गायक लिए मैं हाफिज सलीम दरिया साहब और एजीएम के तमाम मुजम्मिलों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं। सदर मुशायरा से इजाजत चाहता हूं और आपसे भी इजाजत चाहता हूं, बिना किसी तमीम इन दो अशआर से इस सफर का आगाज करता हूं। अगर आप के लिए बात बात कहूं तो मैं चाहूंगा कि आप मेरा साथ दे, जिस पर मान करे और मुझको भी ऐसा मान दे, जिस पर जमाना नष्ट करे और दुनिया के मालसर की न शोहरत है तलब। दोस्तों आप अपने अहले हजरात से सकते हैं, मैं शुरू से ही देख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, आप आवाज और आत्मा सलाम पेश करता हूँ, लेकिन आप अगर हमारे अमल पर अगर अमल हमें नहीं मिलेगा तो उससे क्या होता है, एक शायर है रहे कुछ कुछ यहाँ पे आना चाहिए वहाँ तो नहीं जाएगा। जी इमरान भाई है, शायर है वो अपना दिल निकाल कर आपके सामने रख देता है, तो आप उसके उसके अफसाई कई कई कम आज के शायर शायर जोरदार तालियां बजा बजा बजा। और उसके बाद बार मैं शेर पढ़ता हूँ कि मुझको भी है खुदा कोई ऐसा सामान दे, जिस पर हर जमाना रह रहे और साथ दे, दुनिया के मालो सर की न शोहरत है तलब, दुनिया के मालो सर की न शोहरत है तलब, तुझसे दुआ है कि इसके हलाल दो शेर पढ़ता हूँ, शेर के ये बात सच है, ये बात सच है, हकीकत है कोई नहीं, ये बात सच है हकीकत है कोई ख्वाब नहीं, मेरी निगाह का मरकज तेरा बाबा ही, मेरी निगाह का मरकज तेरा बाबा ही, और हर एक लफ्ज है जिसका सदादातों का अभी, हर एक लफ्ज है जिसका सदादातों का अभी, कलाला पाल जैसे से कोई ताबा नहीं, कलाला पाल जैसे से कोई ताबा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और हम हरी हरी को भी रुसवा नहीं करते। अगर शेर शेर सानी ये हो बुजुर्गों से क्या है, दुश्मन को निहत्ता हो तो हमला नहीं करते, निहत्ता हो तो हमला नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब।
दुश्मन जो ने हत्या हमला नहीं करते। आइए कौमी एकता के हवाले से चार पढ़ता हूँ। आज आपको एकता की मोहब्बत और अखुवत की बहुत जरूरत है। यहाँ पर तमाम हमारे और हमारे साथ होते हैं, हमारे वतन भाई हैं। देखिएगा मैं चार पढ़ता हूँ, अगर किसी का भी होता है तो आप मोहब्बत पढ़ता हूँ। ये अनोखी आन वाले हैं, अनोखी आन वाले हैं, निराली शान वाले हैं, अनोखी आन वाले हैं, निराली शान वाले हैं, जमाने में हम सबसे अलग पहचान वाले हैं, अनोखी आन वाले हैं, निराली शान वाले हैं, जमाने भर भर हम सबसे अलग पहचान वाले हैं। और सबक देता है जो सो मोहब्बत भाई जा रहा, सबक देता है जो सो मोहब्बत भाई जा रहा। हम इस पर नाज करते हैं हिंदुस्तान वाले हैं, हम इस पर नाज करते हैं हिंदुस्तान वाले हैं। बहुत बहुत इंसान इसके नाज उठाने में रह गया। इस जिंदगी के बेवफा होने के बावजूद इंसान इसके नाज उठाने में रह गया। ऐ बेबो अपने दादा सासी कभी कभी नजर, देखिएगा शेर मुजल्ला फरमाए के रह गया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमने सदियों इन्हीं सरदारों से मोहब्बत की है। जान वतन के लिए कर दी, जान कुर्बान वतन के लिए कर दी। इस तरह से मोहब्बत की है, मोहब्बत की है। बहुत अच्छा चल रहे हैं। देखिए मैं दो शेर सुनता हूँ। जिनको समझा था वहाँ उसको शिकारी ले, जिनको समझा था वहाँ उसको शिकारी ले। और सबकी नजरों में जो सुल्तान बने बैठे हैं, खुद की नजरों में जो सुल्तान बने बैठे हैं, वो तो मीज़ाने सजावट का भिखारी ले, वो तो मीज़ाने सजावट का भिखारी। बहुत बहुत बस इस तरह से अगर आप साथ दें। जी शुक्रिया के आज जिनको समझा था वहाँ वहाँ वो शिकारी ले, और खुद की नजरों में जो सुल्तान बने बैठे हैं, वो तो निशाने अधिकारी ले। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा इसी कबील का एक मतलब और लाभ शेर सुनता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो उसके बाद मैं पढ़ूंगा। के नर्म दिल कल तलक, नर्म दिल कल तलक पत्थर हुए इंसान क्यों, नर्म दिल कल तलक पत्थर हुए इंसान क्यों, जुल्म होता देखकर खामोश है शादादान क्यों, नर्म दिल कल तलक पत्थर हुए इंसान क्यों, जुल्म होता देखकर खामोश है शादादान क्यों। भाई चारे का चलन मुद्दत से जिनमें था, भाई चारे मुद्दत से दिल में था यहाँ, आज वो एक दूसरे से हो गए अनजान क्यों, आज वो एक दूसरे से हो गए अनजान क्यों। और आइए अपने मुकम्मल गजल के मतलब पर आता हूँ, और उसके बाद आपकी जहमत में तमाम आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं आपसे फिर एक मर्तबा मोहब्बत की गुजारिश आपसे
मतलब मुलाजा है करोगे हद से ज्यादा, करोगे करोगे हद से ज्यादा अगर सितम साहब, करोगे हद से ज्यादा अगर सितम साहब, जमीन हर में तुम्हारे बड़े कम साहब, करोगे हद से ज्यादा अगर सितम साहब, जमीन हद हद तुम्हारे कम साहब। और ये शेर जो बताया दोस्तों कि शरीर लोग हैं, जमाना खूब है वाकी, जमाना खूब है वाकी हमारे तेवर से, जमाना खूब है वाकी हमारे तेवर से, शरीर लोग हैं उस दिल नहीं है हमारा, उस दिल नहीं है हमारा। दोस्तों ये बहुत अच्छा शेर, आपने उसकी जिस तरह से हिफाज़त करनी चाहिए थी, नहीं नहीं मेरे आपकी मर्जी, शरीफ लोग हैं उस दिल नहीं है हम साहब। और ये शेर ये बताए कि अगर ये सब्र का दामन हमने छोड़ दिया, अगर ये सब्र का, नौजवान दोस्तों ये हमारे पहले हजरात दर्श कर सकते हैं, तमीम मैं समझता नहीं कि जरूरी है, शेर मुलाजा फरमाएंगे अगर ये सब्र का दामन हमने छोड़ दिया, अगर ये सब्र का दामन जो हमने छोड़ दिया, जवाब ईंट का पत्थर से देंगे हम साहब, जवाब ईंट का पत्थर से देंगे हम साहब। और ये शेर से ये खुसूस लाइसा तो चाहता हूं कि हमारे जैसा, हमारे जैसा तुम इंसाफ करके दिखलाओ, हमारे जैसा तुम इंसाफ करके दिखलाओ। दोस्तों मेरी शायरी बहुत आसान और आम है, जुबान बात को समझने के लिए कोई दुश्वारी नहीं है जी, इंशाल्लाह आपका मिजाज है, मैं अपना अंदाज आपको समझूं कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं कि हमारे जैसा तुम इंसाफ करके दिखलाओ, तुम्हारी बातों में इतना अकर है दम साहब, तुम्हारी बातों में इतना अकर है दम साहब। और ये शेर के वफा की राह पे कब तक चलेंगे हम तन्हा, हाय हाय वफा की राह पे कब तक चलेंगे हम तन्हा, हमारे साथ में तुम भी चलो, हमारे साथ में तुम, वफा की राह पे कब तक चलेंगे हम तन्हा, हमारे साथ चलो तुम भी दो कदम साहब, हमारे साथ चलो तुम भी दो कदम साहब। और ये शेर आपकी ज़हमत तमाम के वतन के वास्ते अब तक किया है जो हमने, वतन के वास्ते अब तक किया है जो, वतन के वास्ते अब तक किया है जो हमने, हरे बात है तारीख में रकम साहब, हरे बात है तारीख में रकम साहब। बहुत बहुत नवाज़िश,